हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका सिर्फ ग्रुप वन का एग्जाम है नवंबर 2023 में। सो इस वीडियो में आई बी डिस्कसिंग कि 1.5 डेज का रिवीजन कैसे करें और जो आपका कवर क्या क्या चीज़ें करें, आरटीपी, एमटीपी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, और जो जितने दिन बचे हैं उसमें कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए। मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो अगर आपने अपना खुद का प्लान नहीं बनाया, या फिर आप रेफ़र कर सकते हो और अपने प्लान बना सकते हो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज है 14th of October और कल है 15th। अकाउंट्स का मॉक एग्ज़ाम आई हैव प्लान कि आप अकाउंट्स का मॉक एग्ज़ाम कल 15th of October को दो और अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो कि अगर आपने AS अच्छे से नहीं किया हुआ, वो आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ AS के आंसर्स नहीं लिख पा रहे, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन सा पहले करें, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला या डिबेंचर वाला, वो सारी चीज़ें आप एनालाइज करो मॉक एग्ज़ाम देते वक्त। एंड देन उन पर वर्क करके आप 16th of October को फिर से एक मॉक एग्ज़ाम लिखो इम्प्रूवमेंट करके अपना। देन 17 को आप 1.5 डेज में जैसे फाइनल में रिवाइज करोगे, यानी प्री प्रैक्टिस करना आपको अपना 1.5 डेज का रिविजन लॉ के सब्जेक्ट का, ये आप रिवीजन करोगे। एंड लॉ का मॉक एग्ज़ाम आप 18th of October को दोगे रिवीजन के बाद। 19th of October को फिर आपको लॉ का ही मॉक देना है आफ्टर वर्किंग अपॉन द थिंग्स जो आपने गलती की पिछले दिन मॉक में। जैसे आपको अगर आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही थी तो उस पर ध्यान दो, रिकॉल नहीं कर पा रहे थे कोई सेक्शन को, उस सेक्शन को फिर से रिवाइज करो। ये सब चीज़ें करके आप 19th of October को फिर से लॉ का मॉक दोगे। देन 20th of October को आप 1.5 डेज रिविजन प्री प्रैक्टिस करोगे CMA सब्जेक्ट की, यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, समरी बुक, कॉन्सेप्ट्स, नोट्स, फॉर्मूलाज, सब कुछ। थ्योरी अगर आपने नहीं की वो भी आप कर सकते हो। देन 21st of October को आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला मॉक अपना लिख दोगे, उसमें मिस्टेक्स एनालाइज करोगे, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। एंड देन 22nd of October को आप उन मिस्टेक्स पे काम करके फिर से मॉक लिखोगे और उसका एनालिसिस करोगे। 23rd of October को आप 1.5 डेज में रिविजन करोगे टैक्स के सब्जेक्ट का, और 24th of October को आप टैक्स का पहला मॉक लिखोगे और 25th को सेकेंड मॉक लिखोगे इम्प्रूवमेंट करके। सो दिस वॉज इन अ वे कि आप दो दो मॉक एग्जाम्स लिख दो। इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट पे काम होगा, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स पे काम होगा, आपकी मिस्टेक्स जो हो रही है वो आपको पता चलेंगी, और आप रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं वो आपको पता चल जाएगा। ये सब आपका कवर हो जाएगा इतने दिन में। आप दो मॉक एग्ज़ाम्स लिख चुके होगे, आपके बैठने की टाइम बन जाएगी, मतलब आपके बॉडी को भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें मुझे पेपर देना है 3 घंटे। 2 to 5 की टाइमिंग आप अपने मॉक की रखो तो ज़्यादा सही रहेगा, एग्ज़ाम वाला पूरा प्रैक्टिस हो जाएगी चीज़ें। अब आपका जब मॉक एग्ज़ाम ये ख़त्म हो जाता है 25th of October को, जैसा मैंने डिसाइड किया हुआ है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 26th को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज करना है। फॉर दोज जिनका आरटीपी एमटीपी हो गया है फिर से आप क्यूमुलेटिव रिवीजन कर सकते हो, और जिनका आरटीपी एमटीपी नहीं हुआ है वो आरटीपी और एमटीपी करेंगे। और देन 27th of October को डीटी का रिवीजन करोगे आप, अगर हो चुका है आरटीपी एमटीपी तो क्यूमुलेटिव, अदरवाइज आरटीपी एमटीपी भी करना है। देन 28th of October को आईडीटी का रिवीजन, साथ में लॉ का रिवीजन स्टार्ट कर देना है, आरटीपी एमटीपी एंड एवरीथिंग। एंड देन 29th of October को जितना लॉ पिछला दिन हुआ उसके आगे से कंटिन्यू करना है, और लॉ ख़त्म करके उसका आरटीपी एमटीपी ख़त्म करके अकाउंट्स का स्टार्ट कर देना है। एंड देन 30th of October को फिर अकाउंट्स रिवाइज करना है, सारे प्रैक्टिकल पोर्शंस, AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी। देन 31st of October को आपको अकाउंट्स फिर से रिवाइज करना है, साथ में आरटीपी और एमटीपी अगर नहीं किया था तो वो कवर करना है, और 1st of November को फिर से अकाउंट्स आपको रिवाइज़ करना है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे करें, तो अब मैंने आपको 30, 31 और 1 ये 3 दिन तो पूरे अकाउंट्स के लिए दिए हैं, और 29 को भी मैंने 1/4 डे एटलीस्ट आपको देना है अकाउंट्स को। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। उसमें फर्स्ट पार्ट था सबसे ईजी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेकेंड पार्ट सबसे डिफिकल्ट, एंड थर्ड पार्ट सबसे डिफिकल्ट वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले सबसे इजी वाले किए, फिर उसके बाद उससे डिफिकल्ट, एंड देन उससे डिफिकल्ट। ऐसे क्या मोनोटोनस नहीं हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना, एक साथ लेके बैठ जाओगे तो दिक्कत होती है, बट जो आपको कंफर्टेबल हो। प्रैक्टिकल पहले करना है तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो पहले, एंड देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अदरवाइज मेरे तरह डिवाइड करके कर सकते हो। सो दिस वॉज दी प्लान। अब ये जो मैंने स्केड्यूल बनाया, इसका जो एक्सेल शीट है उसका लिंक आई विल बी अटैचिंग इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एंड अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं आप उस हिसाब से काम कर सकते हो, बट एक ये रफ प्लान था जो आप फॉलो कर सकते हो। एंड देन वी कम टू सम थिंग्स कि आखिर रिवाइज क्या करना है। तो सी समरी बुक
या खुद के नोट्स जो भी हैं आपके पास वो रिवाइज करने, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए, साथ में मार्क्ड क्वेश्चंस जो आप क्वेश्चन बैंक कर रहे होगे अपने लेक्चर्स के दौरान वो सारे रिवाइज करने हैं आपको। एंड इसके अलावा आपको ICAI की MCQ बुकलेट तो करी ही होगी वो चीज़, और आपको आगे क्या करना है अपने RTPs और MTPs, इस बार का RTP और पिछले बार का लास्ट अटेम्प्ट और दिस अटेम्प्ट का RTP और इस बार का MTP स्पेसिफिकली अकाउंट्स में तो करना ही करना है और सारे ही सब्जेक्ट में करना है, इस बार का MTP लास्ट 2 का RTP, ये चीज़ें आपको करनी है एटलीस्ट अगर आपने कोई RTP MTP नहीं देखा तब, तो ये चीज़ तो करनी है। और रिविजन मैराथन से नहीं करना है, खुद से रिविजन करना है, मैराथन एक्सट्रीम नीड में लेना, अदरवाइज आई वुड रियली सजेस्ट ये नहीं करना है मैराथन से। देन वी मूव टू अ पॉइंट कि एक चीज़ आती है ना कि पीपल स्टार्ट लाइक दे स्टार्ट कन्वर्सिंग ऑन टेलीग्राम चैनल्स, चिटचैट चालू हो जाती है कि मेरा नहीं हुआ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दो, इस टीचर के नोट्स या उस टीचर के नोट्स, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्टूडेंट्स वेस्ट। एंड इसमें ना आई हैव सीन, मैंने भी टेलीग्राम चैनल्स पर देखे बहुत डिस्कशन हो रही होती है, प्लीज़ डोंट बी अ पार्ट ऑफ दोज डिस्कशन, उससे टाइम ही वेस्ट होता है, आप अपने रिविजन पर फोकस कीजिए और रिलायबल यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल पे जहाँ MCQs आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ से आप हर दिन एक घंटे प्रैक्टिस कर सकते हो MCQs को, ट्रू फॉल्स को, जो भी आपके एग्जाम में उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इनकेस आपने ICAI MCQ बुकलेट कर ली है तब, अदरवाइज़ पहले ICAI MCQ बुकलेट आपको करनी चाहिए। मॉक एग्ज़ाम्स का मैंने आपका कवर करा दिया। और वन थिंग इज़ कि जब आप ये पूरा प्रिपरेशन कर रहे हो ना अभी बचे हुए दिनों में, तो प्लीज़ फोकस ऑन कि आप रिकॉल कर पा रहे हो चीज़ों के नहीं, और कैसे आप उस आंसर को लिखोगे कैसे एग्ज़ाम में, उन दो चीज़ों पे आपको प्लीज़ काम करना ही करना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो अपने टीचर से लें जिससे आपको सही इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए, राइट। तो दिस वॉज ऑल। अब वन पॉइंट इज़ देयर कि इससे पहले आपने जितना पढ़ाना वो एक तरफ, और वो 1.5 डेज़ के रिविजन एक तरफ, मतलब अगर उन 1.5 डेज़ में आपने रिविजन नहीं की स्पेसिफिकली फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो पिछला पढ़ा हुआ भी उतना फ्रूटफुल नहीं होता। तो इस 1.5 डेज़ का बहुत अच्छे से आपको यूज़ करना है, और बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स के लिए और सिर्फ ग्रुप टू वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आई विल बी मेकिंग अ वीडियो जिसके अंदर ऐसा स्केड्यूल मैंने बनाया हुआ है, वो भी अपलोड हो जाएगी, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। और मैंने इससे पहले स्ट्रैटेजी पे वीडियो बना रखी है ऑडिट EISSM एंड कॉस्ट सब्जेक्ट की, और मैंने EIS मैंने और सर्टिफाइड कॉपीज एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट की वो भी डाल रखी है, और जो आएंगी आगे उन पे भी वीडियो बना देंगे। एंड अगर आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं या फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उससे रिलेटेड शॉर्ट्स एंड वीडियोज़ भी बना रखी हैं, प्लीज़ चेक देम आउट इन केस ऑफ योर नीड। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड जूनियर्स, ताकि उन्हें पता चले कि कुछ यूज़फुल कॉन्टेंट आ रहा है यूट्यूब पे। सो दैट इज़ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।